स्वागत है आपका पिक्सल वेक्टर ग्राफिक्स में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और गिम्प के एक और मजेदार से ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और आप सभी लोगों को एडवांस में मैरी क्रिसमस, और क्रिसमस आ रही है और क्रिसमस पर हम क्रिसमस पार्टी के लिए पोस्टर भी डिजाइन करेंगे आज की ट्यूटोरियल में। पर उससे पहले छोटी सी गुजारिश मैं आपसे करना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आगे भी हम कंटिन्यू करते रहे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं जो जो भी इमेज यूज करूंगा उनका मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है। पहले मैं आपको दिखा दूं मैं क्या क्या यूज करूंगा। इस तरह का एक क्रिसमस बॉल, इसका भी मैंने बैकग्राउंड को रिमूव किया हुआ है, ठीक है। एक ट्री इस तरह का, ठीक है, इसका भी मैंने बैकग्राउंड को रिमूव किया हुआ है। हालांकि ट्री के बैकग्राउंड को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसके लिए भी अलग से मैंने वीडियो बना रखा। बहुत आसान तरीकों से इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। इस तरह के मुश्किल वाली चीज़ों को किस तरह से रिमूव किया जाता है इसके बैकग्राउंड को, उसके लिए 3-4 वीडियो है, आप चाहो तो देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई के बटन में भी आपको लिंक मैं दे दूंगा, पिछला वीडियो जरूर देखिए। और एक मैं इमेज यूज करूंगा इस तरह का रिबन, ठीक है, इसका मैंने बैकग्राउंड को रिमूव किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए जाएंगे फाइल न्यू, और साइज आप अपने मुताबिक कोई भी ले सकते हो। पर याद रखिए, जब भी साइज लेंगे पहले सोच समझ के लीजिए, बाद में छोटा बड़ा करेंगे तो पिक्सेलेट हो जाता है। तो पहले से ही सोच समझ के चलिए कि आपने साइज क्या लेना है। तो मैं डेमोंस्ट्रेशन के लिए ले रहा हूँ A3, ठीक है, और मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ले रहा हूँ। और एडवांस ऑप्शंस में आ जाएंगे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 300 रेजोल्यूशन में रखिए वाई एंड एक्स में, ठीक है। ये जब भी यूज करते हैं, जब आप प्रिंटिंग वाली कोई चीज बना रहे हो, हम पोस्टर बना रहे हैं तो वो प्रिंटिंग के लिए हम यूज करेंगे, तो इसलिए मैं 300 पिक्सल में रखूंगा और ओके कर दूंगा। ऑलराइट, तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है नई साइज के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो बैकग्राउंड लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और फोरग्राउंड में आकर मैं इस तरह का एक रेड ले लूँ, डार्क रेड, ठीक है, और बैकग्राउंड में लाइट रेड, ठीक है जी। अब मैं ग्रेडियंट टूल लूंगा और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ले लीजिए फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड RGB, ठीक है। शेप्स में आकर मैं ले रहा हूँ रेडियल और सेंटर टू एजेस, इसको ड्रैग करेंगे कंट्रोल की प्रेस करते हुए कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे आई थिंक ये ठीक है। ऑलराइट, सो एंटर और ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। ऑलराइट, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ उसी डॉक्यूमेंट में और यहाँ सबसे पहले मैं ट्री को ले लेता हूँ, ठीक है जी। इसके लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके लेयर की कॉपी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एडिट कॉपी वापस आ रहा हूँ इसी डॉक्यूमेंट में, एडिट पेस्ट एज न्यू लेयर, तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊँ। ये जो ट्री है इसमें रोशनी ज्यादा है, लाइट ज्यादा है। मैं थोड़ा सा और इसके ग्रीन को ब्राइट करना चाहता हूँ, रोशनी को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कलर्स में जाएंगे और यहां से ले लेंगे ह्यू क्रोमा, ठीक है, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, सबसे पहले रिसेट कर लीजिए और आ जाएंगे क्रोमा में, ठीक है। क्रोमा को थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, बहुत ज्यादा मत कीजिए, बहुत बुरा लगने लग जाएगा। देखिए ये पहले कुछ ऐसा था, अब ये कुछ ऐसा है, और मैं ओके कर रहा हूँ। सो ये अप्लाई हो जाता है और इसी ट्री को हम यूज में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको रोटेट भी कर लूँ, तो रोटेट टूल हालांकि अलग से मिलता, मैं यूज नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल ही यूज करता हूँ क्योंकि इससे सारे काम हो जाते हैं। तो क्लिक करने के बाद बाहर आ जाइए, ठीक है, थोड़ा बाहर के साइड में कर्सर रखिए और इसको रोटेट अप करा सकते हो ऐसे करके, ठीक है, चाहो तो मूव भी करा लीजिए इसको। मैं इसको यहाँ कहीं रखना चाहता हूँ। ओके, एक और काम करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको मूव करा के बीच में लाऊं और मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा इसको मजेदार बनाने के लिए इतना हिस्सा मैं इसकी कॉपी करूँ और दूसरे लेयर पर ले जाऊँ। तो जल्दी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ फ्री सेलेक्ट टूल को और इस तरह से एक सिलेक्शन में बना लेता हूं ऐसे करके, ठीक है जी, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, ये डैश लाइन चल रही है, सिलेक्शन में बदल गया और कॉपी कर लेंगे, एडिट कॉपी, फिर से जाएंगे एडिट
पेस्ट एज न्यू लेयर, ये नए लेयर पे आ जाता है, ठीक है। सिलेक्शन को नन करेंगे, सेलेक्ट नन, यहाँ मैं दिखाऊं नीचे वाले को हाइड करके, ये देखिए, ठीक है, ओके। मूव टूल लेंगे एंड इसको नीचे की तरफ यहाँ कहीं लगाना मैं चाहता हूँ, ऐसे करके एक काम और करेंगे, थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूँ उसको ऐसे एंड इस तरह से ट्रांसफॉर्म। नीचे वाले लेयर को भी मैं शो कर रहा हूँ और इसको भी सही जगह पे लगाएंगे वापस मूव करा के, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। थोड़ा सा और मूव करा के पीछे ले जाऊं, सो इन दोनों लेयर को मर्ज कर देंगे। थोड़ा सा मैं नीचे ला रहा हूँ, ऐसे मर्ज कर देंगे दोनों लेयर को। ऊपर वाले लेयर में राइट क्लिक करेंगे और मर्ज डाउन कर देंगे, तो ये एक ही लेयर में हो जाता है। अब इसी लेयर का एक और कॉपी करेंगे ऐसे, और इसको इस साइड में लगाएंगे, तो इसको फ्लिप कराएंगे, फ्लिप टूल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजेंटल रखिए, इसके प्रॉपर्टी में आगे और क्लिक कर दीजिए। ऑलराइट, तो ये फ्लिप हो जाता है कुछ। अब मूव टूल ले रहा हूँ और इसको सही जगह पे लगा रहा हूँ, ऐसे करके, यूं ऐसे करके, ठीक है जी। आई थिंक ठीक ठाक है, ओके। इतना होने के बाद अब नीचे वाले लेयर को शो कर देंगे, तो हमें कुछ ऐसे मिल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, वापस जाएंगे उसी डॉक्यूमेंट पे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी जी इस बॉल की, ठीक है, क्रिसमस बॉल। इसके लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, कॉपी कर लेंगे एंड वापस यहाँ पे आकर एडिट में जाकर पेस्ट एज न्यू लेयर, ये पेस्ट हो गया, ये मैं दिखाऊँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं जी इसको यहाँ कहीं लगाना चाहता हूँ, ऐसे करके या फिर ऐसे यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ओके। इसके लेयर को नीचे ले आऊँगा, 1 2 दो स्टेप मैं नीचे ले गया। अच्छा, इसके कलर मैं चेंज कर दूंगा, मुझे ये ब्लू नहीं रखना है इसमें। तो एक काम करते हैं कि इसके लेयर को सेलेक्ट करके कलर्स में जाएंगे, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे कलराइज्ड, एंड कलर मैं यहाँ से कौन सा लें, यहाँ से मैं ग्रे कर देता हूँ, या इस तरह का एक सिल्वर टाइप का कलर, ठीक है, ओके करेंगे और फिर से ओके कर देंगे, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। अच्छा, इसका एक और डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ और मूव टूल लेके मैं यहाँ लगाऊंगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल लेके छोटा कर लेंगे ऐसे, यूं, और यहाँ कहीं लगा देंगे इसको ऐसे, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्म। इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, इसका भी कलर चेंज करेंगे, तो फिर से जाएंगे कलर्स एंड कलराइज्ड, और यहाँ से मैं लेंगा कौन सा ले, ऑरेंज नहीं, इस तरह का येलो ले लेते हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर, ठीक है, ओके एंड देन ओके। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद मूव टूल ले रहा हूँ, इसका भी मैं एक डुप्लीकेट करूँगा, तो डुप्लीकेट के बटन में मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसको मूव कराते हुए यहाँ लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है जी, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। राइट, सो इसके बाद हम टैक्स वगैरह लगाना शुरू करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊं इस तरह का, जब भी आप टैक्स वगैरह टाइप करते हो तो एक नोटपैड में आप टाइप कर लीजिए, और अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो तो अपने क्लाइंट को ज़रूर दिखाइए, ठीक है, जो भी आपने टाइप किया है उसको अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करते हुए दिखाइए, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्रिसमस इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सो मैं टी प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट टूल के लिए, आप टेक्स्ट टूल ले सकते हो, टी प्रेस कर रहा हूँ, शॉर्टकट की है टी, क्लिक करेंगे फिर कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। कलर को मैं चेंज कर दूंगा, कलर मैं फिलहाल के लिए अभी वाइट रखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊँ। अच्छा, मैं यही फॉन्ट लूँगा, माउंटेन ब्रिज, थोड़ा स्क्रिप्ट फॉन्ट है, थोड़ा सा मज़ेदार भी लगेगा। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बड़ा मैं इसको कर दूंगा कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, और मूव टूल लेके इसको यहाँ पे लगा देंगे कहीं ऐसे करके, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको मज़ेदार बनाने के लिए एक काम करेंगे, इसका सिलेक्शन बनाएंगे, ऑल्ट की प्रेस करते हुए इसके थंबनेल में क्लिक करेंगे, इसके लेयर के थंबनेल में, तो ये देखिए सिलेक्शन इसका बन जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से मैं लूँगा ग्रेडिंग टूल और यहाँ पे आके यहाँ पे कुछ बने बनाए आपको स्वाचेस मिल जाते हैं, ये वाला भी ले सकते हो गोल्डन, ठीक है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे, रेडियल की जगह लीनियर जरूर रखेंगे और कंट्रोल की प्रेस करते हुए स्ट्रेट इसको ट्रैक करेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे ग्रीन है हल्का सा, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए
ग्रीन मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ग्रीन की जगह मैं ऑरेंज कर दूंगा, थोड़ा सा मैं रेड मिक्स करूंगा इसमें या ये वाला, और देन ओके ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही कलर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा रेड मिक्स करेंगे ऐसे एंड देन ओके ठीक है। बीच में या यहाँ पे कहीं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये वाला येलो मैं ले लूँगा, ये वाला ले लेते हैं ओके, और यहाँ पे मैं कहीं क्लिक करूँगा और ये वाला येलो मैंने ले लिया ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह का एक गोल्डन कलर सा मिल जाता है ठीक है। ऑलराइट, तो मूव टू लेंगे तो ये अप्लाई हो जाता है और सिलेक्शन को नन करेंगे ठीक है जी। कुछ इस तरह थोड़ा सा और मज़ेदार इसको बनाने के लिए इसके लेयर को सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर्स में आ जाएंगे, लाइट एंड शेडो, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप शेडो ठीक है। सबसे पहले ब्लर रेडियस को थोड़ा सा मैं कम कर लूँ और ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ठीक है। कितना आपको रखना है वो आप देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा एक्स एंड वाई को आगे पीछे करके एडजस्ट कर रहा हूँ या कुछ इस तरह से ठीक है जी। ऑलराइट, सो ओके कर रहा हूँ, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। अब बाकी और टेक्स्ट को लगाएंगे। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे है जी पार्टी ठीक है। सो पार्टी को कॉपी मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे लगाएंगे पार्टी ठीक है। एक और मैं काम करना चाहता हूँ कि पार्टी को मैं यहाँ लगाऊंगा ठीक है, उसको अलग हम फॉन्ट में लगाएंगे ठीक है। तो उसके लिए मैं टी प्रेस कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेज, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, पहले कलर को चेंज करेंगे ठीक है, और फिर कोई दूसरा फॉन्ट मैं लूंगा। मैं सेंस सेरिफ फॉन्ट लूंगा, तो गौथम ले लेते हैं ठीक है, और यहाँ से मैं ब्लैक मीडियम ये वाला ले रहा हूँ ठीक है। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इतना बड़ा ताकि अच्छा लगे। इसको उठाकर मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, या फिर एक काम करते हैं इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा मज़ेदार लगेगा। तो एक काम करते हैं इसको कुछ स्टेप मैं नीचे ले जाता हूँ ऐसे ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ कहीं रख रहा हूँ ऐसे, ताकि ये लीफ के थोड़ा सा नीचे आए दिखे, थोड़ा सा मज़ेदार लगता है। अब इसको हम एडिट करेंगे, तो एडिट करने के लिए टी प्रेस करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे करना है आपने बीच में क्लिक ठीक है, ऐसे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और कलर वाइट ही रहने देंगे। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा ऐसे इस तरह से ठीक है, और मूव टूल लेंगे तो ये अप्लाई हो गया। एक और काम करेंगे, मूव टूल लेके मैं इस वाले ट्री को थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ ऐसे, आई थिंक ठीक है जी, पहले से काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। सो और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे है फ्री एंट्री, पार्किंग, ट्री, फायर वॉक, फिर उसके नीचे 31st December, अच्छा ये ले लेते हैं, एंजॉय द बेस्ट पार्टी और सिटी ठीक है। इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, इसको ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको, तो मैं ऐसे ही नहीं लगाऊंगा इसको। एक काम करते हैं कि यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल को ले रहा हूँ और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये पैराग्राफ बन जाता ऐसे कर ठीक है जी, ये बॉक्स है पैराग्राफ का। कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर लूँगा इसी के अंदर, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, और सबसे पहले इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ठीक है, और फॉन्ट वही ले लेंगे गौथम ठीक है जी, और गौथम मैं यहाँ से मीडियम कर रहा हूँ ऐसे। एंड एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे ठीक है जी, ऐसे यू ऐसे ठीक है जी। पहले इसको मूव करा के यहाँ लाएंगे ऐसे, और मैं इसको कुछ इस तरह से लगाना चाहता हूँ ठीक है जी। अच्छा, एक काम करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले आए, यहाँ चाहो तो आप लाइन भी लगा सकते हो। लाइन लगाने के लिए काम करेंगे, ट्रांसपेरेंट लेयर ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल, याद रखिए यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स होना चाहिए, रेडियस 140, और इसको मैं इसको ऐसे ही करके ट्रैक कर रहा हूँ ठीक है जी, कुछ इस तरह से ये हो गया जी ठीक है। वाइट कलर ले लेंगे ठीक है, और ऊपर लाके मैं कंट्रोल कॉमा ये आ गया जी। सेलेक्शन को नन करेंगे ऐसे, और मूव टूल लेके मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ
इस तरह से। सो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता। अब और भी टैक्स है हमारे पास, इनको भी ले लेते हैं। कॉपी किया मैंने एंड सो इसके लिए मैं फिर से टेक्स्ट टूल लूंगा, पैराग्राफ बनाऊंगा ऐसे करके, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट पहले मैं चेंज कर दूं और गौथम मीडियम ले रहा हूं एंड कलर वाइट ही रहने देंगे, साइज को छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं और मूव करा के मैं इसको इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, इनका गैप बहुत कम है। एक काम करते हैं, टी प्रेस करके मैं वापस से क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा सा गैप को बढ़ा देंगे इसकी, या इतना काफ़ी है, ठीक है जी। एक और काम करेंगे कि यहाँ से 31 दिसंबर इसकी पहले मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पे आके मैं टी प्रेस करके कहीं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। टी एंड या कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और पहले मैं इसके फॉन्ट को चेंज कर दूं, गौतम मीडियम, ठीक है, एंड इसको मूव करा के सही जगह पे लगाएंगे, ठीक है जी। ऐसे उठाकर मैं यहाँ लगा देता हूँ, ज़्यादा दूर हो रहा है तो पास पास में लगा। अच्छा, एक काम और करेंगे, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मज़ेदार और लगेगा। एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले रहा हूँ, इसी ट्रांसपेरेंट लेयर में रहते हुए रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल ले लेंगे और ये रखेंगे राउंडेड कॉर्नर्स, ठीक है, एंड इस तरह से, ठीक है जी। और कंट्रोल कॉमा, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट ऐसे नन करेंगे और इसको मैं यहाँ पे कहीं लगा दूँ और थोड़ा सा इसको लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब तीनों को मैं चेन से कनेक्ट करूँगा ताकि मैं इसको मूव करा के सही जगह पे लगा सकूँ। तो एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, ठीक है, और इसको सही मैं जगह पे लगा देता हूँ ऐसे, और ठीक है, चेन को हटाना मत भूलिए, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा और नीचे मैं कर देता हूँ। Alright, so अब क्या रह गया हमारे पास, अब रह गया जी ये वेबसाइट का एड्रेस, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पे आइकन्स वगैरह भी लगा सकते हो, सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह जो है। Alright, तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, टी प्रेस करके मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर कहीं, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और फिर से वही फॉन्ट ले लेंगे गौतम, ठीक है, और गौतम बोल्ड मैं कर रहा हूँ इसको, कलर वही वाइट ले लेंगे। पहले इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊँ सही जगह में कि कहाँ लगाना है और कितना छोटा कितना बड़ा मैं लगाना है इसको, ठीक है। अब टी प्रेस करके वापस मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और इसको छोटा कर लेंगे अपनी मर्जी से, जितना आपको छोटा कितना आपको बड़ा चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ कहीं लगाना चाहता हूँ इसको और यहाँ पे कहीं लगा देंगे इसको ऐसे, ठीक है जी। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद अच्छा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस वाले ट्री को भी थोड़ा सा मैं आगे कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा और मैं आगे इसको कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहे हैं, बाद में भी चाहो तो आप इधर उधर मूव करा के लगा सकते हो। और इसको थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए मैं स्नो गिरता हुआ पीछे की तरफ दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि नीचे आ जाएंगे, बैकग्राउंड वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट लेयर क्रिएट हो गया। इसी ट्रांसपेरेंट लेयर में रहते हुए ले लेंगे यहाँ से ब्रश टूल, पेंट ब्रश टूल ले लीजिए, और आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट एक ब्रश मिलेगा, ये वाला एक ये है और एक ये है, ठीक है, पीछे की तरफ स्नो दिखाने के लिए। तो ये वाला ब्रश ले रहा हूँ, फोरग्राउंड में हम वाइट ही रखेंगे और बैकग्राउंड में चाहो तो आप ग्रे ले लीजिए या वाइट, इस तरह का कोई भी कलर आप ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा साइज को मैं बड़ा कर रहा हूँ, साइज को अपने मुताबिक देख लीजिए कितना बड़ा कितना छोटा चाहिए, और ऐसे करके क्लिक करते जाइए, ठीक है जी, इस तरह से। और इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे जितना आपको कम करना है।
ऑलराइट, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, ठीक है, ये देख सकते हो पीछे स्नो की तरह हमें लग रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए एक चीज और रह गया। सबसे ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और वापस जाएंगे दूसरे डॉक्यूमेंट में। यहाँ रह गया है जी हमारा रिबन, इसकी लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है जी। वापस आएंगे इसी में एंड पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको कैसे लगाना है, आपने कहाँ लगाना है वो आपकी मर्जी। मैं इसको एक काम करते हैं कि यहाँ पे यूनिफाइड ट्रांसफर टूल ले रहा हूँ, इसमें क्लिक कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ऐसे, यू एंड छोटा भी कर लेंगे ऐसे और इस तरह से लगा रहा हूँ, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म, और इसका एक और मैं डुप्लीकेट करूंगा, तो उसके लिए डुप्लीकेट के बटन में क्लिक करेंगे और यहां से फ्लिप टूल ले लेंगे, हॉरिजेंटल रखेंगे और क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। मूव टूल लेके इसको सही जगह पे लगा देंगे कुछ इस तरह से, राइट। सो डन हो गया। उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा, मजा भी आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले गेम के ट्यूटोरियल में एक और मजेदार से डिजाइन के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।